हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि चलती गाड़ी में गियर को आप कैसे लगाएं कि गियर आपका गलत ना लगे, और जो कि हर एक नए चालक के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो चलती गाड़ी में या तो गियर को देख के लगाते हैं या तो उनका गियर जो है गलत लग जाता है, या फिर गियर को लगाते हैं तो उनका स्टीयरिंग हिल जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप गियर आसानी से चलती गाड़ी में लगा सकते हैं और स्टीयरिंग भी आपका नहीं हिलेगा और गाड़ी एकदम सीधे तरीके से चलेगी और आप बहुत ही इजी तरीके से गियर को लगा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्लच को दबाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से चाबी को घुमाना है। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद इसमें मीटर में सारे साइन देखने होते हैं कि एक भी साइन जले ना, और जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हैंडब्रेक का साइन जल रहा है और बाकी इधर सीट बेल्ट का साइन है। अब हम यहाँ पर हैंडब्रेक लगा हुआ है, हैंडब्रेक को यहाँ से हम इसको लीवर को ऊपर करेंगे, फिर हम बटन को दबाएँगे, ये हैंडब्रेक नीचे हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, गाड़ी को बढ़ाने के लिए हम क्लच को दबा के रखेंगे। अब इसके बाद हमको वन गियर लगाना होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे गियर को देख रहे हैं, ये गियर है। अब इसको हमको लेफ्ट करना है, तो लेफ्ट करके आगे ये वन गियर हो गया। तो अब कोई भी गाड़ी आप चलाएंगे तो हमेशा वन गियर में ही गाड़ी को उठाना होता है मूविंग कराने के लिए। अब हम धीरे धीरे क्लच को ऊपर लेके आएंगे, तो जहाँ से गाड़ी मेरी हल्की सी मूव करेगी इससे ऊपर आपको क्लच को नहीं छोड़ना होता है। अगर आप इससे ऊपर क्लच को छोड़ देंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। तो अब ये देखिए धीरे धीरे गाड़ी में रेस हो रहा है, जब ये रेस हो जाता है तब हम पूरा क्लच को छोड़ देते हैं। तो जो कि आप लोग देख रहे हैं इस समय हम ना एक्सीलेटर पे हैं पैर, ना ब्रेक पे हैं, ना क्लच पे हैं। तो हर एक नए चालक को सबसे पहले गाड़ी को, जब भी आप नए चालक हैं तो हमेशा बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को चलाएं, क्योंकि गाड़ी में इतनी स्पीड होती है कि आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप गाड़ी को चलाएंगे तो हमेशा पहले बिना एक्सीलेटर के चलाएं। अब हमें गाड़ी में सेकेंड गियर लगाना है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाड़ी अभी हमारी ऐसे चल रही है, अब हमें सेकंड गियर लगाना है। तो हम क्लच को पूरा नीचे प्रेस करते हैं और इसके बाद हमको इसको गियर को लेफ्ट ही करके पीछे लगाना है। अभी देखिए गाड़ी हमारी हल्की सी स्लो हुई, तो हम इसमें क्या करते हैं क्लच को जल्दी छोड़ देते हैं। तो क्लच को जल्दी नहीं छोड़ना है, क्लच को उसी पे होल्ड रखना है। अब ये धीरे धीरे देखिए सेकंड गियर में गाड़ी है मेरी, अभी धीरे धीरे गाड़ी में अपने आप स्पीड आ रही है, जबकि मेरा पैर एक्सीलेटर पे नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि एक्सीलेटर को हमने बिल्कुल भी नहीं टच किया है, ये सिर्फ गाड़ी बिना एक्सीलेटर की इतनी स्पीड में चल रही है। तो हर एक नए चालक के लिए बहुत ही ईजी है गाड़ी को चलाना, कि जो कि बिना एक्सीलेटर को गाड़ी को चला सकते हैं। अब हमें धीरे धीरे गाड़ी में स्पीड देना है, तो हम हल्का हल्का एक्सीलेटर को दबाएंगे कि ताकि गाड़ी में झटका ना आए। अभी ये देखिए यहाँ पे ये गियर शो करता है, जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तीर का निशान दिया हुआ है। तो ये जब तीर का निशान ऊपर की तरफ दिया है तो इसका मतलब हमको गियर को लगाना है। तो हम यहाँ पे क्लच को दबाएंगे और अब हम गियर को न्यूटन पे ले जाके छोड़ दिए हैं। अब इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि गियर हमारा जो है या तो इंजन बंद हो जाएगा या तो गाड़ी रुक जाएगी, जो कि गाड़ी मेरी चल रही है। अब हमको थर्ड गियर लगाना है, तो सिर्फ हमको इसको ऊपर कर देना है, तो ये कभी भी आपका गलत गियर नहीं लगेगा। अब देखिए गाड़ी मेरी थर्ड गियर में चल रही है और यहाँ पे अब फिर हमको यहाँ पे आगे भीड़ है, अब हमको यहाँ पे गियर को डाउन करना है, तो हमको सिर्फ इसको बीच में ले आके छोड़ देना है गियर को। अब ये गाड़ी मेरी चल रही है, इसमें लोग क्या करते हैं गलती से ये पीछे मार देते हैं, तो ये फोर्थ गियर चला गया। तो आपको बीच में करके इसको आराम से लेफ्ट पीछे करना है, ये नीचे हो गया। अब ये हो गया सेकंड गियर, तो कभी भी हमको गियर में लगाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है। अब फिर हमको थर्ड गियर लगाना है, तो फिर हम इसको बीच में ले गए, अभी हमें यहाँ से हाथ हटा दिए, अभी गाड़ी मेरी चल रही है, अब हमको इसको सिर्फ सीधा ऊपर कर देना है। ये हो गया थर्ड गियर, अब फिर हम यार ये स्पीड 40 हो रही है, तो 40 की स्पीड में हमको फोर्थ गियर लगाना होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये गियर शो करेगा, ये गियर शो कर रहा है, तीर का निशान ऊपर दिया है, तो हम इसको बीच में ले गए, यहाँ से हाथ हटा दिए, अब जस्ट पीछे कर दिए। कभी भी आपका गलत गियर नहीं लगेगा, हर एक नए चालक के लिए ये बहुत ही ईजी तरीका है गाड़ी चलाने का कि गियर गलत ना लगे। अब जैसे हमें फिर फिफ्थ गियर लगाना है, तो फिफ्थ गियर के लिए अब यहाँ पर हम गियर को ले गए, इसको न्यूटन पर कर दिए। देखिए ये गाड़ी न्यूटन पर चल रही है इतनी स्पीड में है, हमको इसको राइट करना है, सिर्फ आगे कर देना है। ये हो गया फिफ्थ गियर,
ये बहुत इजी तरीके से हमको गियर को लगाना होता है। अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग कैसे हिल जाता है। अब हम गियर को लगा रहे हैं, ये देखिए हिल गया। अब हम इसको, तो जब भी स्टीयरिंग आप गियर को लगाएं तो इसको छोड़ के रखें या ऐसे हल्का हाथ रखें, स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं ले, सिर्फ ये लेफ्ट वाला हाथ चलाना है, बीच में ले गए उसके बाद सीधा ऊपर कर दिए, ये हो गया थर्ड गियर। स्टीयरिंग एकदम सीधा का सीधा ही रखना है, इसमें आपको हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिर इसको बीच में लेके आए गियर को, अब फिर यहाँ पे पीछे कर दिए, बहुत इजी तरीके से गियर लगता है। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अब बाकी स्टीयरिंग आपको अगर छोड़ भी देते हैं तो भी ये गाड़ी आपकी सीधी चलती है, इसको सिर्फ हल्की सी मूविंग इसको नहीं करनी है। अब जैसे हम हल्की सी मूविंग कर रहे हैं तो गाड़ी हमारी लेफ्ट राइट हो रही है। तो ये पावर स्टीयरिंग में यही खासियत है कि आपको स्टीयरिंग को हिलाना नहीं होता है। अब ये गाड़ी चल रही है, अभी हमको फिफ्थ गियर लगाना है, स्टीयरिंग को एकदम सीधा रखना है, सीधा सामने देखना होता है। इसको बीच में लेके गए, हाथ हटा दिए, अब फिर इसको हम राइड किए और आगे कर दिए। बहुत इजी तरीके से हमको क्लच लेके आना है कि ताकि गाड़ी में झटका ना लगे। अब ये एकदम आराम से स्मूथ चल रही है गाड़ी। और कभी भी अगर हमने गाड़ी कंट्रोल करना है तो 10 मीटर पहले, अब जैसे आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे कट है, तो हमारा पैर 10 मीटर पहले ये ब्रेक पे आ जाना चाहिए और फिर उसके बाद एक्सीलेटर पे जाए। तो मतलब कब आप ब्रेक और एक्सीलेटर पे जा रहे हैं अगले को ये मालूम नहीं होना चाहिए। और जो है अब गियर बहुत ईजी तरीके से लगता है, इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।